आप सभी लोगों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट। सबसे पहले ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और उसके बाद तुक्का लगाने की सही विधि। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग सीटेट का एग्जाम कल देने जा रहे हैं, यानी 21 जनवरी 2024। यानी कि सीटेट और उसके अलावा, सीटेट के अलावा जितने भी वो क्वेश्चन पेपर्स या फिर वो एग्जाम्स जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, उन सभी में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो अगर अच्छी लगे अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। करें वीडियो पूरा देखने बाद अंत में डिसाइड कीजिएगा वीडियो को लाइक करें या ना करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वीडियो लाइक जरूर आप कर देंगे अंत तक जाते जाते। एक और प्लस पॉइंट आपको ये बता देना चाहूंगा कि अगर आप आज की इस वीडियो में अपना पूरा सेशन दे देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 25 या 30 मिनट तक ये वीडियो जा सकती है, अगर इतने देर आप हमको दे सकते हैं तो यकीनन मानिए कि आने वाली आप अपनी इस एग्जाम में जरूर पासिंग मार्क्स को लागे देंगे। अगर पिछले बार में आपके नंबर कम आ रहे होंगे तो पासिंग मार्क्स किसी भी तरीके से आप ला देंगे। और अगर आप पहले से ही पास कर चुके हैं और फिर भी रिपीटेड क्वेश्चंस आप बार बार मतलब उनको देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके नंबर पक्का बढ़ जाएंगे, पक्का बढ़ेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाने का पर्पज मेरा ये था कि मैंने कई क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, ठीक है, रिपीटेड आते हैं। चाहे आप 2014 से लेकर के 2024 चल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सभी के सभी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड आते हैं। तो आप पहले से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इनके बारे में आपको जरूर पक्का यकीन होगा। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली 70+ नंबर लाते हैं तो पक्का आप पासिंग मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद ला देंगे, इतना यकीन और गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम आज का ही है, खत्म हो जाएगा आज के बाद, तो हो सकता है आप इस वीडियो को शायद ना देखें, लेकिन अगर अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो को पक्का तुरंत शेयर कर दीजिए। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कि इसमें काम आपको करना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या रहेगा। आपके 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। आपका सबसे पहले क्या आएगा, सीडीपी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ईवीएस आ सकता है, मैथ्स आएगा, उसके बाद हिंदी आएगी, हिंदी यानी लैंग्वेज 1, और फिर उसके बाद लैंग्वेज टू ऐसे कर देते हैं, रोमन लैंग्वेज में लिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखता है। लैंग्वेज 2 में आपकी संस्कृत, हिंदी सेकेंड भी कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज में, या फिर इंग्लिश, यही क्वेश्चन इस तरीके से उसका नाम आप अपने एरिया के अनुसार आप अपने लैंग्वेज जो चूज कर रहे होंगे वो सब लैंग्वेज 2 में आएंगे। आपको करना क्या, सबसे पहले आपके पास टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150, आपके पास ऑप्शन कितने रहेंगे, 4, A, B, C और D, 4 ऑप्शन रहेंगे, 150 क्वेश्चन, यानी कि आपके चांसेस कितने बनते हैं कि आप मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में से इन 150 में कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका ऑप्शन ए सही रहेगा, कम से कम 37 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके ऑप्शन बी रहेगा, और कम से कम 38 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके ऑप्शन सी सही रहेंगे, और कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके ऑप्शन डी रहेंगे, यानी टोटल मिला करके आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना कंफर्म है? अब एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसमें 4 से भाग दीजिए, आपके समथिंग आएगा 37 point something आएगा, ठीक है, यानी कि लगभग 38 क्वेश्चन एक ऑप्शन को मिलेगा, यानी कि एक ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन इसमें से लेंगे तो लगभग 37 से 38 क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो मान लीजिए कि आगे पीछे हो सकता है, ए के मान लीजिए 40 क्वेश्चन रहे, बी के 37, सी के 38, डी के 35, ऐसे कुछ रहेंगे, ठीक है, ऐसे अमूमन रेशियो रहेगा। इसी रेशियो में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन में से
जो रहेंगे आपके एबीसीडी जो चार ऑप्शन रहते हैं, चार ऑप्शन में से कम 40 क्वेश्चन ए के रहेंगे, 37 बी के रहेंगे। ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, हो सकता है कि डी आपका 40 रहे, सी आपका 37 रहे, बी आपका 38 रहे और ए आपका 35 रहे। ऐसे ही रेशियो बनता है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं 150 क्वेश्चन का रेशियो ऐसे बनाया जाता है कि ऐसे ही उनके क्वेश्चन रहते हैं कि एक ऑप्शन में कम से कम इतने क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग गलती कहां करते हैं, तुक्का लगाने की बहुत सी विधियां बताई जाती हैं, बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि बताया जाता है जनरली, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 8 9 10 11 12 और 13 मैंने ले लिया। आप क्या करेंगे, लोग बताते हैं कि 3 A लगाइएगा तो 3 B लगा दीजिएगा, 3 C लगा दीजिएगा और 3 D लगा दीजिएगा, ऐसे बताते हैं लोग, या फिर चार चार का रेशियो करके ऐसे बताते हैं। जिनमें से अब आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम ए वाला अगर उठाएंगे तो भी ए लगाएंगे कहां से, ठीक है। अगर ए हम लगाएंगे तो मान लीजिए कि आप पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ए ए, तो ऐसे करके ये हमको जहां तक रहता है कि बहुत अच्छे तरीके से ये फॉर्मेट बैठता नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता है, हो सकता है ए वाले में आपने ए लगाया इसमें बी सही है, इसमें ए लगाया इसमें सी सही है, इसमें ए लगाया इसमें डी सही है, तो क्या करेंगे आप, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसके लिए ये फॉर्मेट सही नहीं बैठता है। मैं आपको बताता हूं, आप सभी लोग पढ़ते होंगे और पढ़ने के अनुसार आप चाहे कितना भी कम पढ़ें लेकिन फिर भी आप कुछ क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर देते होंगे। कुछ क्वेश्चन में मैं एक अनुमान लगा लेता हूं कि आप 70-80 क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको जब ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो आपको बता दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, थोड़ा समय टॉपिक से भटक रहा हूँ, तुक्का लगाने की विधि अभी बता दूंगा। पहले टॉपिक सॉल्व कैसे करना है उसको देखिए। आपके पास टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, आपके पास समय रहेगा 150 मिनट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी से वीडियो भी देख लें। 150 मिनट्स रहेंगे यानी कि टोटल आपके पास रहेगा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे यानी प्रति क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रहा है। आपको करना क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन में 30-30 एक एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। जो नए हैं उनको भी जान लें कि एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सिर्फ 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में आपको सॉल्व करना है। बाकी के जो 5 मिनट है ये गोली भरने में लगाने, 30 क्वेश्चन में जो गोले भरेंगे आप तो कम से कम आपको 10 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड ऐसे कुछ समथिंग मिलेगा, ठीक है, उतने में आप गोला भर दिया कीजिए और बाकी के टाइम में आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया कीजिए। तो 25-25 मिनट में आपको करना है। सबसे पहले आपको कर लेना क्या है, सबसे पहले आप सीडीपी को सॉल्व कर दीजिए, सीडीपी को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले पहले जाते ही अपने सीडीपी को सॉल्व कीजिएगा। जब उसकी इस चीज को आप खोलेंगे जो आपका पेपर रहेगा, पेपर जब बंद रहता है, ठीक है, तो उसको ओपन करने का जो एक्चुअल टाइम है वो 9:30 बजे, 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर रहता है, ठीक है, या फिर उनके बाद वाले जो लोग हैं वो अपने समय पे जब उसको ओपन करिएगा, जो सील्ड होती है तो सील्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले सीडीपी को सॉल्व कीजिएगा। कोशिश ये रहे कि अगर 9:30 बजे ये हो रहा है तो 10 बजे तक यानी कि 9:55 तक आप सीडीपी को सॉल्व कर लें 25 मिनट में। सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे कहां जाइएगा, अपने लैंग्वेज पे, लैंग्वेज दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों लैंग्वेज को कर लीजिएगा। आपके जो वनमार्क सीट रहती है उसमें तरीका ऐसे ही रहता है, ठीक है, यानी 1 से 30 तक ये रहेंगे, 31 से लेकर के और 60 तक ये रहेगा, 61 से लेकर के और 90 तक अगला रहेगा, 91 से लेकर के 120 और फिर 121 से लेकर के 150 क्वेश्चन, ऐसे में आज सीट रहेगी 30-30 क्वेश्चन के सेट्स रहेंगे, उसमें भी 5 लाइन बनी रहती है। आपको सबसे मेन काम क्या करना है, आपने रोल नंबर को भरना है। रोल नंबर भरते वक्त एकदम बीच से ध्यान रखिएगा, अगर इन केस आपको रोल नंबर भरने में दिक्कत हो रही है तो जो वहां पे आसपास के देखने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, उन टीचर्स की सहायता ले लीजिएगा। और अपने क्योंकि अगर रोल नंबर आपने गलत भरा तो कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है, तो आपका जो ओएमआर सीट है अगर उसमें रोल नंबर गलत हुआ तो फिर वो चेक नहीं होगा, रोल नंबर सबसे बेहतरीन तरीके से भरिएगा, ठीक है। बाकी सॉल्व तो करना ही है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये सीडीपी का पहला वाला लाइन फुल कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत कुछ लोग ये करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर पेपर में पढ़ रहे हैं 126, ठीक है, कौन मार्क्सिट में आप भर देते हैं 127 में पा लेते हैं, ठीक है, तो भी गलत हो जाता है,
इस चीज पे ध्यान देना है। 127 वाले के बाद जब आप 127 नंबर क्वेश्चन भरेंगे तो पता चलता है कि आपको मार्कशीट में 128 नंबर वाले पे ट्रिक करना है, तो ये भी गलत हो जाता है। इस चीज पे बारीकी से ध्यान रखना है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी नुकसान दे देती हैं। सीडीपी में 1 से 30 क्वेश्चन, उसके बाद अपने ईबीएस और मैथ्स को छोड़ दीजिएगा। 91 नंबर से आपका स्टार्ट होगा लैंग्वेज वन, ठीक है। 91 नंबर ये याद रखिएगा, 91 नंबर 91 वाले जो क्वेश्चन रहेगा वहां से लैंग्वेज वन स्टार्ट होगा। 91 से 120 तक लैंग्वेज वन दे देना है और 121 से 150 तक लैंग्वेज टू। उसके बाद आपके पास जो समय बचता है वो ईबीएस और मैथ पे ध्यान देना है। अगर मैथ्स में आप कमजोर है तो मैथ्स को सबसे लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, लिख देता हूँ, लास्ट में कीजिएगा। और ईबीएस, ईबीएस में इन दोनों में समय क्यों लगता है, क्योंकि मैं बता दूँ ईबीएस में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी थोड़ा सा समय लगता है। मैथ्स वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें थोड़ा समय लगता ही, अगर आप कमजोर है तो पक्का समय लगना ही लगना है। इनको लास्ट में रखिएगा, ये 90 क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट, इस तरीके से आप इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तुक्का लगाने की सही विधि पे, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। बस 10 सेकंड का समय दे दीजिए, 10 सेकंड में ये खत्म हो जाएगा, एडजस्ट कर दूंगा। देखिए तुक्का लगाने की सही विधि इस पे आते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ए बी सी और डी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कम आपके क्वेश्चन रहते हैं 150, 150 में से हर एक क्वेश्चन यानी एक ऑप्शन को मिलते हैं 38 या फिर 37 स्थान, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो होगा वो या फिर आपका 38 सही होगा या फिर 40 होगा। यानी कि हम ये अमूमन आपको पहले बताया कि मान लीजिए ए के 40 होंगे, बी के आपके हो जाएंगे 35, सी के हो जाएंगे 37 और डी के हो जाएंगे 38, टोटल ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 150 क्वेश्चन। ऐसे अमूमन रेशियो बनेगा, उल्टा सीधा भी हो सकता है, डी वाला 40 क्वेश्चन, सी वाला आपका 35 हो सकता है, बी वाला 37 हो सकता है, ए वाला 38 हो सकता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं यानी क्वेश्चन के जो रेशियो होंगे वो कोई भी रेशियो अमूमन 37 से कम तो नहीं आ रहा है, 37 प्लस ही रहेंगे, ठीक है। हो सकता है ये जो आपका है 39 है, ए वाला जो है ये 39 है और ये आपका 36 है, अमूमन 37 से अपने हम मान लेते 35 का रेशियो रहेगा, 35 के रेशियो में ही रहेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके रहेंगे 11, 12, 13, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन जो आएगा तो पहले को क्लिक कर दीजिएगा, जो रहेगा सही है उसको लगा दीजिएगा, जितना आपको आए उसको लगाते जाइएगा, जो नहीं आए उसको छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए चौथा नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, पांचवा नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, छठा नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, सातवां आ रहा कर दीजिए। एक क्वेश्चन को आपको पढ़ने में 30 सेकंड का नॉर्मली टाइम लगेगा, 30 सेकंड में कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अगर नहीं आ रहा डायरेक्ट छोड़ दीजिए, आ रहा है कर दीजिए उसे, मान लीजिए आठवां नहीं आ रहा है, नौवां आ रहा है कर दीजिए, दसवां आ रहा है उसको भी कर दीजिए, ग्यारहवां नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, बारहवां आ रहा है कर दीजिए, तेरहवां आ रहा है उसको भी कर दीजिए, जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है कि टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 120 मिनट में, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में पढ़ करके सॉल्यूशन पा जा रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है। 30 सेकंड मैक्सिमम, 40 सेकंड ठीक है, मैक्सिमम 50 सेकंड, 10 सेकंड तो आपको बचाना ही प्रति क्वेश्चन में। नॉर्मली आप 120 यानी कि आप अगर 120 मिनट देते हैं तो आप अमूमन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपके पास बचे कितने, 30 क्वेश्चन बचते हैं, आपके पास समय भी कितना बचता है, 30 मिनट, ठीक है। मैंने क्या बताया, आप 2 घंटे लगाते हैं, ठीक है, 2 घंटे में आपने 120 क्वेश्चन यानी 2 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन कर दिया है, अब आपके पास बचे कितने, 50 क्वेश्चन कुछ 30 मिनट में फटाफट गिनना है, ठीक है। क्या गिनना है, ये जो आपने 100 क्वेश्चन सही किए हैं इनमें से ऑप्शन ए बी सी और डी में किसमें कितना ऑप्शन आपने ट्रिक किया है। मान लीजिए ए वाले को आपने ट्रिक किया है 35, बी वाले को ट्रिक किया है आपने 30, इसको भी आपने ट्रिक किया है कितना, मान लीजिए इसको भी आपने ट्रिक कर दिया 30, ठीक है। अब बाकी के बाकी वाले को आपने ट्रिक कितना किया, डी वाले को मान लीजिए आपने 5 ही ट्रिक किया है, ठीक है, कितना हो गया 35, 30, 30 और 5, ठीक है, यानी आप पहुंच गया लगभग 100 क्वेश्चन। सबसे जो कम वाला ऑप्शन बचेगा उसी ऑप्शन को बाकी के सभी में भर देना है,
मान लीजिए आपके क्वेश्चन कितने बचे 50, आपने सॉल्व किया 100, 50 क्वेश्चन में अगर आप सभी में डी का डी ही भर देंगे तो आप यहाँ पे रेशियो देख लीजिए, आपके डी का रेशियो क्या है 38 है, ठीक है, अगर 5 इसमें से घटा देते हैं तो 33, यानी 50 में से 33 क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है। बात समझ आ रही है, यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 100 क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कि नॉर्मल आप 80 ला ही देंगे, तो अगर 80 आपका आता है और बाकी के 33 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो 80 में 33 जोड़ लीजिए, कितने हो गए 110 नंबर पक्का मिलना है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, उम्मीद करूंगा आप समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे ट्रिक लगाना है, तुक्का लगाने की यही सबसे सटीक विधि है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को कर लीजिए। मान लीजिए आपने किए क्या कि आपने टोटल 120 मिनट में आपने 120 क्वेश्चन कर लिए, 120 क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है 100 नंबर आ सकता है, 100 95 90 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम रेशियो ले लेते हैं 90 का, 90 अगर आपने सही हो गए, 120 क्वेश्चन में आपने किया क्या है ए बी सी और डी, ए बी सी डी में ऐसे आपने किया कि ए वाले का 40 कर दिया, बी वाले को आपने कर दिया है 30, सी वाले को भी आपने कर दिया है 30, डी वाले को कर दिया है आपने 20, 30 30 60 30 90 100 20 120। ठीक है, यानी कि आपके अभी डी वाले में कितने ऑप्शन बच रहे हैं, कम से कम अगर 38 क्वेश्चन होंगे नॉर्मली, अगर 38 होते मान लीजिए 35 में होंगे तो भी आपके 15 बच रहे हैं। ठीक है, और आपके पूरे एक से लेकर के 150 में आपने टोटल क्वेश्चन छोड़े थे 30, अगर 30 में सभी के सभी पे आपने डी लगाया तो कम से कम 15 नंबर तो एक्स्ट्रा आपको मिलना ही है, क्योंकि 15 डी वाले जो है 15 क्वेश्चन सही रहेंगे। ठीक है, तो अगर 90 दिए तो इसमें 15 जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 105 नंबर बन जाएगा पक्का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। एक और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए इनकेस आपने सॉल्व किए जो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए और आप हर बार ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन पहले एक चीज आपको बताऊँ, क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इतना दिमाग में रख करके आना है क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन अगर छूटा तो दिक्कत है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, और ये नहीं कि जय श्री राम जय भगवान जय हनुमान जी का नाम लेकर के ट्रिक लगा दे, वो काम मत कीजिएगा, वो करेंगे फिर दिक्कत होगी। करना क्या है आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन किए सॉल्व 100, मान लीजिए आप सॉल्व हर बार आपने पिछले भी एग्जाम किया और आपको नॉर्मली 70 नंबर आ रहे हैं जो कि पासिंग मार्क्स से पीछे है। ठीक है, जनरल का टकरा जाता है 90 प्लस, उसके बाद से आपको ओबीसी का जाता है 82 प्लस। ठीक है, एसटीएससी वाले आपने जानती है 70 पे आपकी पासिंग है, 90 पे पासिंग है, 70 नंबर आपके आ रहे हैं। आपने क्या किया कि 150 क्वेश्चन में से आपने कम से कम 70 क्वेश्चन कर दिया है, 70 ही क्वेश्चन किया है और आपको पक्का यकीन है कि 70 के 70 सही है। नॉर्मली आप 120 मिनट में 70 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज्यादा कर देंगे अगर स्पीड से करेंगे तो। मान लीजिए आपने 70 ही किया, आपके पास क्वेश्चन बचे 80। ठीक है, अटेम्प्ट कम से कम 120 मिनट में 100 का अटेम्प्ट करना है आपको, दिमाग में रखिएगा, अगर आपने 120 मिनट में 100 से कम अटेम्प्ट किया तो दिक्कत है। ठीक है, कोशिश ये रखिएगा, आपने अगर 70 अटेम्प्ट किए हैं और आपके पास बचे 80 तो आपने 70 को अटेम्प्ट कैसे किया होगा, ए बी सी डी, 70 को आपने अटेम्प्ट ऐसे किया होगा, मान लीजिए इसमें आपने किया होगा 20, इसमें आपने किया होगा मान लीजिए 17, इसमें आपने किया होगा 23 और इसमें आपने किया होगा 20 60 70, इसमें आपने किया होगा डी 10। बस समझ में आ रही है, अगर आपने इतना किया होगा, ठीक है, यानी टोटल करने पर आ जाएगा 2 2 4 2 6 1 7 यानी 70। तो आपने देखा कि सबसे कम जो ऑप्शन है वो किसके आपने किया है, डी वाले को ठीक किया है यानी 10। तो आप हर बार 10 ही आ जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी कम हो सकता है, ठीक है, ए वाला भी कम हो सकता है, बी वाला भी कम आ सकता है, तो मान लीजिए डी वाला, तो आपको फिर डी ऑप्शन लगाना है। मान लीजिए 38 में से 10 घटाए तो आपका आगे 28। अगर आपने पूरा का पूरा 150 में जो 80 क्वेश्चन है, अगर 80 क्वेश्चन में से सभी पे आपने डी ऑप्शन ट्रिक किया है तो मानकर चलिए कि आपके 28 नंबर बढ़ रहे हैं, 80 क्वेश्चन में से 28 जो है वो डी के सही है, दिमाग में रख लीजिए इस बात को। अगर आपको 28 नंबर मिल गए तो 70 और प्लस 28 कितने हो जाते हैं 98 नंबर, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, फेल नहीं होना इसे। बात समझ में आ रही है, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो पक्का इस तरीके से अगली बार करके आइएगा और करके आने के बाद
वीडियो पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपका क्वेश्चन किस तरीके से आपने किया है, और रिजल्ट आने पर भी मुझे जरूर एक बार सूचित करना। अच्छा नंबर आएगा तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा ही लगेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले और वीडियोज में मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आता रहूंगा। बहुत ज्यादा समय के बाद मैंने एक बार फिर से आज वीडियो लिया है, और हो सकता है मुझे ये समय जो है काफी 1.5-2 साल हो गए होंगे, 1.5-2 साल बाद मैंने ये वीडियो ली है, तो एक रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर से मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। एक और चीज आपको बता दूं, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो आप सभी लोगों को जय श्री राम आज से ही। उसके अलावा मुस्लिम भाई लोग आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को भी हाथ जोड़ के नमस्ते, ठीक है, और क्या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम है, ठीक है। खुशियां सभी लोगों के लिए पर्याप्त होंगी अगर आप लोग सॉल्व करके और सही नंबर ला लेते हैं। तो वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। एक छोटी सी बात ये, आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भगवान होते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम आज उसके बारे में कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण मेरे माइंड में आए कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर मैं एक बार कंक्लूजन लाऊंगा। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, मतलब आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो तक नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।